अस्सलामुअलैकुम, आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार स्पाइसी सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत आसान और इजी है। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 अदद अंडे। अंडे के साथ ही हम इसमें लेंगे अपनी सब्जियाँ, जिसमें एक टमाटर है मीडियम साइज़ का और एक शिमला मिर्च है और 1 अदद प्याज है। इसके साथ ही हम इसमें लेंगे हरा धनिया जो तकरीबन 3 चम्मच है, जिसको हमने बारीक काट लिया है। इसके साथ ही हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। ठंडा या गर्म दूध नहीं यूज़ करिएगा, नॉर्मल दूध वो यूज़ करिएगा। ये उबला हुआ दूध है, पैकेट वाला यूज़ कर रही हूँ। आप भी चाहें तो पैकेट वाला दूध यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 चम्मच भरकर मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ और हसबे जायका इसमें नमक जाएगा। नमक के साथ ही इसमें मैं 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा डालूँगी। ये भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है। अब इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये बहुत आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है। ये सुबह आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। मज़ेदार सी है, बहुत झटपट बन जाती है। या आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो तो उसमें भी आप बनाकर जल्दी खा सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें लेंगे 2 कप मैदा। 2 कप मैदा ऐड करेंगे हम इसके अंदर और फिर इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करें इसको अच्छी तरह ताकि इसमें कोई लंग्स ना बने। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें मिर्ची ऐड ना करें, चीनी भी ऐड कर सकते हैं। पर इसके साथ ही हम 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, अपने सोया सुप्रीम ऑयल। फिर इसको अच्छी तरह से फिर से मिक्सअप करेंगे ताकि हमारा ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जितना अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे और मज़ेदार हमारे अंडा पराठा बनेगा। अब एक फ्राई पैन में हम 1/2 टीस्पून ब्रश की मदद से हम इसमें फैला देंगे। ज़्यादा ऑयल यूज़ ना करिएगा वरना आपका पराठा ऑयली बहुत हो जाएगा। 1/2 टीस्पून हमने ऑयल लेकर इसमें अच्छी तरह फैला दिया है। इसके साथ ही हम जो हमने अब बनाया है इसको हम चम्मच की मदद से इसमें डालेंगे और उसको फौरन फैलाएंगे, क्योंकि ये फिर जम जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल से हटेगा। इसको हम जल्दी जल्दी फैलाएँगे चम्मच की मदद से। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं आसान आसान रेसिपीज नहीं लाती हूँ ताकि आप झटपट जल्दी से ट्राई करें और मज़े से खाएं और मुझे याद करें। अब इसको हम 2 सेकंड के बाद दूसरी तरफ भी फ्राई करके देखें। हमारा पराठा मज़ेदार से तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी अपना बनाएंगे और आखिरी हमारा तीसरा पराठा भी हमारा बनके तैयार हो रहा है। और जल्दी जल्दी बनाइएगा। अब देखें तीसरा पराठा भी हमारा रेडी हो गया। 2 मिनट आगे से सेके, 3 मिनट पीछे से सेके, ये तीनों पराठे हमारे तैयार हो गए। कितने मज़ेदार क्रिस्पी बने हैं। वीडियो पसंद आया करें तो प्लीज़ लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मज़ेदार पराठा बनता है ये, एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर, बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।